जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो में देखेंगे ट्वेल्थ के आरएस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 10 आई का क्वेश्चन नंबर 16 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी बाई टी स्क्वायर और वाई बराबर 3 प्लस 2 लॉग टी बाई टी, तो साबित करो डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू टी होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, x को अलग से डिफरेंशिएट करता हूं, y को अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, तो x बराबर 1 प्लस लॉग t बाई टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी टी भी को छोड़ देते, मतलब t स्क्वायर को छोड़े, डिफरेंशिएट किसका, u का, मतलब 1 प्लस लॉग t का, बीच में माइनस, 1 प्लस लॉग t को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर का और बट्टा में भी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का पुनः स्क्वायर, तो dx by dt बराबर t स्क्वायर तक तो ठीक है, 1 का 0 और log t का 1 by t, फिर माइनस में 1 प्लस log t into t स्क्वायर का 2t के बट्टा में हो गया t के पावर 4। अच्छा, इससे अंदर जो गुना करें तो हो गया t माइनस 2t माइनस 2t into log t by t का पावर 4। अच्छा देखो आप क्या हो गया, t माइनस 2t तो माइनस 1t माइनस 2t log t by t का पावर 4। आप देख सकते हो माइनस t अगर कॉमन ले तो माइनस t ले ले कॉमन, तो यहां बचा 1 प्लस 2 log t और बट्टा में t का पावर 4, 1t से 1t कट गया तो t क्यूब बचा, अर्थात माइनस में हो गया 1 प्लस 2 log t अपॉन t क्यूब, ये हो गया dx by dt। अब y को भी डिफरेंशिएट करता हूं तो और y बराबर क्या हो गया, 3 प्लस 2 log t by t, डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, dy by dt बराबर v को छोड़ दिया, मतलब t को डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 3 प्लस 2 log t को, बीच में माइनस, 3 प्लस 2 log t को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट करेंगे t को, बट्टा में भी का स्क्वायर, मतलब टी का स्क्वायर, ओके टी तो छोड़ चुका हूं। अच्छा, थ्री का डिफरेंशिएशन 0, 2 इंटू लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, माइनस में क्या हो गया, 3 प्लस 2 लॉग टी, अच्छा टी का हो गया 1 बाई टी स्क्वायर। अच्छा, टी से अंदर जो गुना करते हैं तो यह हो गया 2 बाई टी, मैं टी से गुना करो तो सीधा 2, माइनस में 3 माइनस में 2 लॉग टी by t स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 log t by t स्क्वायर, ये हो गया dy by dt। अब हमें क्या चाहिए, dy by dx, इसको लिख सकते dy by dt upon dx by dt, dy by dt क्या है, माइनस 1 by माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 log t by t स्क्वायर और dx by dt क्या है, माइनस में 1 प्लस 2 log t by t क्यूब। अच्छा एक चीज देखो क्या होता है, अगर चार अंक तो पलट जाता है ना, तो t क्यूब गया ऊपर, ये रहेगा नीचे में, तो t स्क्वायर से t क्यूब कटेगा t मरतबे, और ये पूरा का पूरा तो कट गया, हो गया t, ये तो हो गया dy by dx का वैल्यू t, यही तो हमको प्रूफ करना है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो तो dy by dx का वैल्यू बताओ कब, जब थीटा का मान पाई बाय 2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि dy by dx का मान निकालेंगे और जहां पे थीटा दिखाई देगा वहां पे पाई बाय 2 रख देना है, जहां पे dy by dx का मान भले जो आएगा उसमें थीटा की जगह पाई बाय 2 रख देंगे, बस वहां से मान निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, x को अलग से डिफरेंशिएट करो, y को अलग से डिफरेंशिएट, तो क्या हो गया ये, चूंकि x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx by d थीटा बराबर a पछवाड़ में आ गया, थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन और साइन थीटा का अलग से डिफरेंशिएशन, क्या हो गया a इंटू, अच्छा थीटा का 1 और साइन थीटा का cos थीटा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं ना, ये हो गया। और चलो फिर y बराबर क्या है, a इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy by d थीटा बराबर a पीछा, अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन माइनस में cos थीटा का डिफरेंशिएशन, अच्छा तो क्या हो गया ये a तो है ही, 1 का 0 और माइनस,
और कॉस का पुनः माइनस, तो मिलकर हो गया प्लस में साइन थीटा, तो फाइनली हो गया डीवाई बाई डी थीटा बराबर ए साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डीवाई बाई डी थीटा, उसी तरह डी एक्स बाई डी थीटा। अच्छा डीवाई बाई डी थीटा क्या है, तो हो गया ए साइन थीटा, बट्टा में डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। चलिए तो ए से ए कैंसिल, इसलिए डीवाई बाई डी थीटा, डीवाई बाई डी एक्स चाहिए कब, जब थीटा के जगह पाई बाई टू हो तब, तो जहां थीटा वहां पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू बट्टा वन माइनस कॉस पाई बाई टू। ओके साइन नब्बे का मान एक बट्टा एक माइनस कॉस नब्बे जीरो, एक बट्टा एक यानी एक आंसर है। इस एक्सरसाइज का 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, वाई बराबर टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, तो साबित करो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू टेन थ्री थीटा बाई टू होगा। डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, टेन थ्री थीटा बाई टू। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स को अलग वाई को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो चूंकि x बराबर क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, डिफरेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, dx by d थीटा बराबर 2p छा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में d cos 2 थीटा, पहले तो 2 थीटा के रिस्पेक्ट में फिर 2 थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2 into cos का हो गया माइनस sin थीटा माइनस में, अच्छा कॉस का फिर से माइनस में साइन टू थीटा और इंटू टू इंटू वन, तो देखो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू कॉमन ले लिए तो साइन टू थीटा और माइनस में साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा चलो और वाई बराबर क्या हो गया, फिर टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, डिफ्रेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डीवाई बाई डी थीटा टू पी छा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन, पहले तो टू थीटा के रिस्पेक्ट में फिर टू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, चलो भाई देख लो, तो क्या हो गया डिवाइड बाय डी थीटा बराबर टू कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का हो गया कॉस टू थीटा इंटू टू इंटू वन। इस तरह से डिवाइड बाय डी थीटा हो गया, टू कॉमन ले लिए तो कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। अब चलिए क्या हो गया dy by dx बराबर, तो dy बट्टा d थीटा, उसी तरह dx बट्टा d थीटा, dy by d थीटा का मान क्या है, ये 2 into cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, बट्टा में फिर dx by d थीटा का वैल्यू क्या है 2 into sin 2 थीटा माइनस में sin थीटा। अच्छा दो के साथ दो कैंसिल, अब एक चीज देख लो dy by dx बराबर ये क्या लग रहा है cos c माइनस cos d, कौन सा फॉर्मूला cos c माइनस cos d, ये लग रहा है sin c माइनस sin d, तो cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d by 2, तो थीटा प्लस 2 थीटा by 2 into sin d माइनस c, तो 2 थीटा माइनस थीटा by 2। उसी तरह नीचे sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का होता है 2 cos C माने 2 थीटा प्लस d by 2 इंटू साइन C माइनस d by 2, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या हो गया 2 साइन, अच्छा एक थीटा दो थीटा मिलके 3 थीटा by 2 इंटू साइन दो थीटा माइनस एक थीटा, तो एक थीटा by 2 के बट्टा में 2 cos 3 थीटा by 2 और इंटू में साइन थीटा by 2। देखो साइन थीटा बाई टू के साथ साइन थीटा बाई टू, टू के साथ टू कैंसिल, साइन बाई कॉस ये हो गया टेन थ्री थीटा बाई टू, यही तो डीवाई बाई डीएक्स है।